सभी किसान भाइयों को नमस्कार। इस समय हम करनाल जिला हरियाणा प्रदेश के वीर नरैना गांव के पास में हैं और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि व्यस्त होते हुए भी परम आदरणीय डॉक्टर गुरुबचन सिंह जी ने हमको समय दिया है और हम उनके रिसर्च फाउंडेशन में आए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान वीरो, सत श्री अकाल। मैं ये कहना चाहूँगा कि सर को कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो युवा साथी नए हैं और कभी सर से मिले नहीं हैं, परमादरणीय डॉक्टर गुरुबचन सिंह जी ये पहले केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में निदेशक के पद पर रहे, फिर उसके बाद और संस्थानों के यहाँ निदेशक रहे और फिर भारत के कृषि मंत्रालय में देश के सर्वोच्च पद पर रहे, ये एग्रीकल्चर कमिश्नर थे और फिर ये भारतीय वैज्ञानिक चयन मंडल के चेयरपर्सन भी रहे हैं। तो इनकी बहुत उपलब्धियां हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने बहुत बड़ा एक रिसर्च फाउंडेशन जहाँ खोला है किसानों की सेवार्थ। और आप जी जड़े ने किसानों ले निरंतर खेती की गल करो, मछली पालन की गल करो, मुर्गी पालन की गल करो, इंटीग्रेटिड एकीकृत फार्मिंग से बहुत जोर देंगे ने। सर जी, मैं आप जी का फिर एक बार स्वागत करदा और ये कहना चाहवागा कि किसान वीरों तुसी आप जी कुछ सुझाव दियो। एक कणक लाने का टाइम आ गया और बड़े अच्छे टाइम से आप मिल रहे हैं, झोना कट गया, जीरी कट गई है, तो कड़िया किस्म जो किसान ने हरियाणा पंजाब विशेष रूप से उत्तरी भारत आए वो ला सकते हैं, फिर आप उत्तर प्रदेश ते बिहार झारखंड की भी गल करांगे। डॉक्टर गोसाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर पे पधारे और सभी किसान भाइयों का और जितने भी आज व्यूअर्स हैं इस प्रोग्राम में, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और वेलकम करता हूं। आज आप बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर मेरा ख्याल आपने शुरू किया जी। क्योंकि गेहूं के लगाने का टाइम है, हमारा जितना भी खोज के रिसर्च के यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे संस्थान हैं जी, वो बहुत कर्मठ कार्य कर रहे हैं और नमी से नमी किस्में किसानों के पास लेकर आ रहे हैं। अभी अभी जो पिछले 2 साल में जिनकी चर्चा हुई है जी, वो हमारी एक तो DBW 187 किस्म है, एक DBW 222 है और एक हमारे पूसा की वैरायटी है HD 3226। ये जो तीन किस्में पिछले 3 साल से इनके ऊपर खोज हुई और इनको नोटिफाई किया गया और अब इसका जो बीज है हमारे गेहूं अनुसंधान निदेशालय ने भी दिया और बाकी भी कई जगह से जो है किसानों ने बीज इसका लिया। जहां मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे हमारा टाइम निकला, सबसे पहले 343 पंजाब की वैरायटी गेहूं की होती थी, फिर WL 711 आई और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हूँ पिछले कम से कम 10-12 साल से HD 2967 HD 3086 ने काफ़ी रंग लाए और हमारी वीट की प्रोडक्शन बहुत बड़ी जी सर। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि HD 2967 और 3086 में थोड़ी सी येलो रस्ट की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, तो वैज्ञानिकों ने अभी ये जो तीन वैरायटीज हैं ये तो वंडर वैरायटीज हैं। अच्छा जी। मैं वंडर इसलिए कह रहा हूँ कि जो इसके पीछे ट्रायल हुए हैं सारे देश में, जब ये रिलीज हुई वैरायटीज, ये मेरे ख्याल 55 मन से लेके 80 मन तक भी इनका जो पैदावार है उपज निकली है जी। और जो अच्छा किसान है, अच्छी जमीन है जी, तो ये जितनी मर्जी इनकी पैदावार आप 75-80 मन तक ले सकते हैं। अच्छा। पर 2-3 चीज़ों का है, किसानों को मेरी हमेशा ये सलाह रहती है जहाँ भी मेरे पास भी आते हैं कि वातावरण में परिवर्तन आ रहा है जी, किस तरह की बीमारी आनी है, किस तरह का टेम्परेचर आना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सनशाइन आवर्स आने हैं, कितना सूर चमकेगा, तो उनको एक के बजाय 3-4 किस्में, जैसे जो नवी किस्में आई हैं उनको 2-2, 4-4 एकड़, जैसे उनकी ज़मीन है 187 भी लगानी चाहिए,
3226 भी लगानी चाहिए और हमारी जो 222 है ये भी लगानी चाहिए। किसान वीरों इन्होंने बड़े जोर नाल तुहानू ये संदेशा दिता है कि जेड़े भी किसान ने वो इक्को किस्म च ना आन और जिन्नी कु जमीन है उहदी उह बकायदा प्लैनिंग जी कर लैन। इक्को किस्म लाण नाल तुहानू ज़्यादा पता नहीं लगेगा कि दूजी किस्म तुहाडे घरे किवें दा काम कर सकती है। तो आपने अभी कहा कि DBW 187 लगा सकते हैं थोड़े से हिस्से में, थोड़े से रकबे में आप 222 लगा सकते हैं और साथ ही आप वंडर किस्मों की बात करें तो तीसरी किस्म इन्होंने बोला HD 3226, ये भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की है और इसको भी लगा के आप ट्रायल रूप में देखिए, ये बहुत ही उम्दा किस्में हैं। सर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में थोड़ा सा सुनने में आया है कि एक नई किस्म भी आने वाली है DBW 303, तो उसके बारे में भी आपने कुछ एक्सपेरिमेंट पिछली बार लगाए थे, हम फाउंडेशन डे पे आए थे, तो वो वैरायटी आपको कैसे लगी है? ऐसे है डॉक्टर गोसाई साहब, जब से अपने फाउंडेशन 2.5 साल हो गए जी, मेरा एक मकसद तो ये था जहाँ फाउंडेशन का कि हमारे रीजन की, चाहे वो PAU की किस्म है, चाहे वो हमारे करनाल की वीट की है, IRA की है, चाहे हमारे CSRA की है, हमने एक सभी वैरायटियों के लिए एक एकड़ छोड़ा, उसमें हमें सभी वैरायटियां टेस्ट करते हैं जी। धन्यवाद मैं करना चाहता हूं हमारे डायरेक्टर्स का, हमारे वाइस चांसलर्स का जी जी। वो थोड़ा सा बीज मेरे को वो दे देते हैं ताकि हम उसको लोकेशन स्पेसिफिक टेस्ट कर लें, केड़ी वैरायटी किस, हम उसको फिर वातावरण के हिसाब से भी हम तो रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका कि केड़ी अच्छी आई। पिछले साल हमने यह DBW 303 भी लगाई थी जी। HD 3237 एक और वैरायटी है, अच्छा वो भी हमारे आई पूसा की है, अच्छा। और जैसा हमारा 2967 है वो थोड़ा सा उसकी रिप्लेसमेंट वाले जा रहे हैं जी, कि भाई थोड़ा सा उसको, क्योंकि बीमारी आने लगी, वैरायटी बहुत अच्छी है, वो भी हमने लगाई सी। एक वैरायटी हमारे पूसा से जो नोटिफाई हुई है लास्ट पिछले साल HD 3271 जी, वो किसान भाई जो आलू लगाते हैं जी, जो गन्ने के बाद गेहूं की बिजाई करना चाहते हैं जी, ये जो HD 3271 है ये बहुत अच्छी है लेट के लिए, फिर भी 45 से 50 मन अगर आप दिसंबर के एंड में लगाएं या जनवरी के पहले हफ्ते में भी लगाएं तो ये वैरायटी एक बड़ी। सर मैं ये, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात हमसे साझा की है कि जो किसान लगाते हैं आलू और आलू के बाद गेहूँ, और कुछ किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में भी, इवन पंजाब में भी गन्ना लगाते हैं, तो गन्ने की कटाई के उपरांत वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की HD 3271 इस किस्म का नाम नोट कर लें, उसको लगा सकते हैं। और सर ने बोला एक्सपेरिमेंटल मोड में जब उन्होंने काम किया तो उस किस्म ने 45 या 50 मन भी पैदावारी दिखाई है दिसंबर के आखिर में बोने पर। तो सर ये बहुत ही उम्दा अच्छी बात आपने किसानों के लिए की है कि जो पिछेती जाना चाहते हैं तो उसमें नई किस्म ये आ गई है। और क्या संदेश सर आप देना चाहेंगे? जो अभी जो वैरायटी आप बात कर रहे थे DBW 303 की, सर मेरा ख्याल है ये अगले साल अच्छा अपने चेन में आ जाएगी, चेन में बहुत, पर हाँ काफी इसके जो पीछे करेक्टर्स मैं जहाँ भी अपा लगाई थी जी, बहुत अच्छी उपज इसकी आई है, टॉप वाली वैरायटियों में ये वैरायटी है। मेरा ख्याल है अगले साल यह किसानों के पास पहुँच जाएगी और इसका भी जो पैदावार भी है और बीमारियों के लिए इसकी टॉलरेंस भी है वो भी काफ़ी हाई है, तो मेरा ख्याल है अगले साल ये वैरायटी किसानों के पास पहुँच जाएगी। और भी नवा जो काम हो रहा है हमारे संस्थानों में, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो कभी हमने सोचा नहीं था कि 80 मन की कणक निकल आया करेगी किले में, पर अब कई किसान हैं जो जहाँ भी मैं देखता हूँ 70 मन में हमारा, हालांकि ज़मीन बहुत अच्छी नहीं है फिर भी 65-70 मन बहुत सारी हमारी किस्में हैं जो जहाँ देती हैं इसका झाड़ा। किसान वीरों बड़ा हंसते हुए डॉक्टर साहब ने साडे नाल साझा किया कि ये टाइम भी आना सी जदों 65 से 70 से 80 मन तक की पैदावार की असी उम्मीद की थी और ये साडे वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। मानयोग डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया ICR सिस्टम से, अज जिहड़े इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं उन्होंने कदी ना कदी वो किसी ना किसी रूप से एडवाइजरी कमेटी रहे हैं, इन्हों की दिशा निर्देश ही अज जिहड़ियां तरक्कियां हो रही ने खेतीबाड़ी ये चल रही ने। सर ने सानू सारे नूं कहा कि बड़ी समझ नाल
विज्ञानिक ढंग नाल तुसी खेती करो और जिन्ने भी संसाधन ने तुसी उन्हां दा सदुपयोग करो ताकि तुहाडी पैदावारी ज़्यादा आए, खर्चे घट करो। आप जी नूं सारयां नूं लख लख वधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।